नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन स्वास्थ्य योग। आज हम योगासना की प्रैक्टिस करेंगे फॉर स्पाइनल एंड एब्डोमिनल मसल्स, कि स्पाइनल मसल को कैसे हम स्ट्रेंथन दे सकते हैं और एब्डोमिनल से कैसे हम अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप दंड आसन में बैठ जाइए। दंड आसन यानी स्ट्रेट योर बोथ लेग, और जो आपके दोनों हैंड्स हैं वो आपके हिप्स के नियर, एंड नेक बैक हिप शुड बी इन वन लाइन। तो सबसे पहले आसना हमारा है मेरु दंड आसना। मेरु मतलब आपके स्पाइन से जुड़ी, स्पाइन से जुड़ी एक्टिविटी के लिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके लिए, अपने दोनों नीज को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को आप नीज के बीच में लाते हुए अपने अंगूठे को होल्ड करेंगे। उसके बाद आप अपने सिट बोन में बैठते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ होंगे और दोनों लेग को स्ट्रेट करते हुए आप पहले यहां स्ट्रेस देंगे, उसके बाद धीरे 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 आप अपने लेग्स को वाइड करेंगे एंड होल्ड दिस पोस्चर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो आपके स्पाइनल है वो बिल्कुल भी ऐसे कर्व नहीं आना चाहिए, आपके बैक में कोई हंच नहीं बनना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रेट एंड स्ट्रेच। अब आप देखेंगे कि आपकी जो स्पाइनल है और जो आपकी हैमस्ट्रिंग है और जो काफ है और आपकी इनर थाई, इन चारों पे एक हल्का सा स्ट्रेच आपको महसूस हो रहा होगा। और आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि इस पोस्चर को आप अपनी क्षमता के अनुसार ही होल्ड करेंगे। अगर आपको कोई स्ट्रेन है, कोई पेन है, तो इमीडिएटली आप इस पोस्चर से वापस आएंगे, और वापस भी आप ऐसे ही आएंगे दोनों लेग को सामने की तरफ लाते हुए, नी को बेंड करते हुए और आगे की तरफ आप अपने आप को मूव करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को, दोनों हील जो आपकी जुड़ी हुई है, इसको आप अपने पैल्विस के पास लाएंगे एंड इस पोस्चर को होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, एंड होल्ड दिस पोस्चर। कीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब हम यहीं से नेक्स्ट पोस्चर में जाएंगे जो है उत्थिता हस्ता मेरुदंड आसना। दिस इज आल्सो फॉर योर स्पाइनल एंड एब्डोमिनल। इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा से दोनों पैरों को सीधा करते हुए, नी को फोल्ड करते हुए अपने थंब को होल्ड करना है, और पीछे की तरफ हिप बोन में बैठते हुए दोनों लेग को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, और इस पोस्चर को हमें यहीं पे होल्ड करना है। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी नेक बैक और जो हिप है, इट शुड बी स्ट्रेट, इसमें कोई कर्व ना हो, कोई हंच ना हो, और इस पोस्चर को आप होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड। होल्ड दिस पोस्चर। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आपके जो हिप बोन है उसमें पेन है, या फिर आपके स्पाइनल में पेन आ रहा है, या फिर आपके लेग्स में पेन आ रहा है, तो आप धीरे धीरे इसी पोस्चर में वापस आ जाएंगे। अब दोबारा वापस कैसे आना है, आपको नी को फोल्ड करते हुए आगे की तरफ आते हुए और आप इसमें वापस आएंगे। अब मेरे दंड आसना के ये बेनिफिट है कि ये आपके जो स्पाइनल है उसको स्ट्रेंथन देता है, आपकी बैक को स्ट्रेंथनिंग देता है। साथ में ये जो आपके एब्डोमिनल पार्ट है, उसके ऑर्गन्स जो होते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स, उनकी मसाज के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और साथ में ये जो आपके एब्डोमिनल जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने में भी काफी हेल्पफुल है।